नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने लास्ट टॉपिक के अंदर मात्रक पढ़ रहे थे, अब बात करते हैं अपने एसआई पत्ती के मात्रक जो है उनकी परिभाषाएं। एसआई पत्ती के अंदर जो मात्रक है उनकी परिभाषाएं, ठीक है। आप लोगों को मैंने 7 मूल मात्रक बताए हैं। 7 जो है वो क्या है, मूल मात्रक है, और 2 मैंने आप लोगों को पूरक मात्रक बताए हैं, और बचे हुए मात्रक जो है वो कौन से मात्रक हो जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक हो जाते हैं। एग्जाम के अंदर ये जो अपने 7 मूल मात्रक है और ये जो पूरक मात्रक है, इनमें से किसी एक की परिभाषा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से किसी एक की परिभाषा जो है वो पूछी जाती है। जैसे आपने पढ़ा था द्रव्यमान के बारे में, और द्रव्यमान का जो अपने मात्रक पढ़ा था वो पढ़ा था किलोग्राम, ठीक है। और इस तरीके से अपने 7 मूल मात्रक पढ़े थे और 2 पूरक मात्रक पढ़े थे। उनमें से किसी एक की परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे किलोग्राम की परिभाषा पूछ ले या मीटर की परिभाषा पूछ ले। ये जो मैं परिभाषा आपको पहले किलोग्राम की बता रहा हूँ, हालांकि किलोग्राम की परिभाषा जो है वो बदल दी गई है, और किलोग्राम की जो नई परिभाषा है वो आपकी जो नई बुक आएगी उनके अंदर मिल जाएगी आपको। तो अपने पहले बात कर लेते हैं उन्हीं परिभाषाओं की जो आपकी पुरानी जो बुक है उनमें लिखी हुई है। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं द्रव्यमान की, ठीक है। द्रव्यमान के अंदर अपने मूल राशि द्रव्यमान और जो मात्रक है इसका वो होता है किलोग्राम, जिसको अपने किससे लिखते हैं, कि जी से लिखते हैं, ठीक है। यदि इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा का मतलब ये हो गया इसकी, कि ये किलोग्राम जो है वो किसका वज़न है, ठीक है। ये किलोग्राम जो लिया है वो किसका वज़न है, कैसे लिया है अपने। तो किलोग्राम के लिए क्या है कि जो अपने अंतर्राष्ट्रीय मापतोल संस्थान है पेरिस के अंदर, जो अपने अंतर्राष्ट्रीय मापतोल संस्थान है पेरिस में है, ये वहाँ पर एक बेलन रखा हुआ है, एक बेलन रखा हुआ है। और बेलन की खास बात ये है कि इसकी धातु जो है वो धातु प्लेटिनम और इरिडियम की है, प्लेटिनियम और इरिडियम। तो आधार के बराबर ऊंचाई का अपने जो मापतोल संस्थान पेरिस है वहाँ पर एक बेलन रखा हुआ है, वो किससे बना हुआ है, प्लेटिनम और इरिडियम धातु से मिलकर के बना हुआ है। ये जो बेलन है इसका जो वज़न है वो कितना लिया गया है, इसका वज़न जो है वो 1 किलोग्राम लिया गया है, ठीक है। जैसे सामान्य लाइफ में अपने क्या करते हैं, वज़न को तोलने के लिए किसी डिब्बे को अपने मानक मान लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि घरों में जब अपने गेहूँ वगैरह अनाज वगैरह जब भी किसी को देना हो या लेना हो तो अपने क्या कर लेते हैं, किसी एक डिब्बे को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अपने एक डिब्बे को फिक्स कर लेते हैं और उसी के आधार पर अपने क्या करते हैं, इसका आदान प्रदान कर लेते हैं, जैसे पुराने टाइम में किया करते थे। उसी तरीके से एक मानक जो है मात्रक मान लिया गया है किलोग्राम का, और ये कहाँ मान लिया गया है, जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय नापतोल संस्थान है पेरिस में, वहाँ पर एक बेलन रख दिया जो किससे बना हुआ है, प्लेटिनम और इरिडियम धातु से मिलकर के बना हुआ है। इसी को संदर्भ लेकर के जितने अपने बाट जो अपने देखते हैं वो सभी किससे बनाए जाते हैं, 1 किलोग्राम वजन के बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा आपने पढ़ा है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पहला हो गया द्रव्यमान। उसके बाद में अपनी दूसरी मूल राशि आ जाती है लंबाई, और लंबाई का जो मात्रक है वो क्या आ जाता है, मीटर आ जाता है, ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या आ जाता है, मीटर आ जाता है। अब देखो मीटर की जो परिभाषा ली गई है वो परिभाषा ली गई है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो जब निर्वात में गति करता है तो उस प्रकाश के द्वारा 1/299/792/458 सेकंड के अंदर जो दूरी तय की जाती है, यानी प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1/299/792/458 ये गुणा में है, सभी के सभी 6 की 6 जो राशि है ये एक दूसरे के गुणा के अंदर है। आपको याद रखने के लिए मैंने कोमा लगा के लिख दिया था 3-3 को साथ में, पर ये क्या है, सभी के सभी एक साथ है, ठीक है। बीच में पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है इनके, 299/792/458 सेकंड के अंदर जो
प्रकाश दूरी तय करता है उसे क्या मान लिया गया है, एक मीटर मान लिया गया है। तीसरी जो अपनी परिभाषा पूछी जाती है वो पूछी जाती है समय की। जैसे एग्जाम में ज़्यादातर मान के चलो इन्हीं तीनों में से पूछा जाता है, या तो आपसे द्रव्यमान की जो किलोग्राम मात्रक लेते हैं उसका, या फिर मीटर का, या फिर समय का जो अपने एसआई पत्ती के अंदर मात्रक लेते हैं वो लेते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड के लिए क्या किया गया है कि जो सीजियम धातु है, जो सीजियम धातु है अपनी, सीजियम 133, सीजियम 133 के द्वारा 91, 92, 63, 1770 बार कंपन करने में जो समय लगता है उसी को क्या मान लिया गया है, उसी को एक सेकंड मान लिया गया है। ठीक है, यानी अपने पास में क्या है, सीजियम 133 है और उसके द्वारा 91, 92, 63, 1770 बार कंपन करने में, अपनी मूल अवस्था के अंदर जब ये कंपन करता है, और कितनी कंपन करता है, 91, 92, 63, 1770, ये भी गुणा के अंदर ही यह राशि जो है अपने लिख रखी है, ये इतने जो कंपन करता है तो उसमें जो समय लगता है उसको क्या मान लिया गया है, सेकंड मान लिया गया। ठीक है, परिभाषा इन तीनों में से ही किसी एक की पूछी जाती है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आगे। जैसे अगर बात की जाए ताप की, तो ताप एक मूल राशि होगी और ताप का मात्रक मैंने आपको बताया था, ताप का जो ऐसा ही पत्ती है उसके अंदर जो मात्रक लिया गया है वो क्या लिया गया है, वो लिया गया है केल्विन। ठीक है, क्या मात्रक लिया गया है, केल्विन। तो केल्विन की परिभाषा क्या मानी गई है, जो जल का तिरक बिंदु होता है, जो जल का तिरक बिंदु है उस पर जो ऊष्मागतिक ताप है, जल के तिरक बिंदु पर जो ऊष्मागतिक ताप है, ऊष्मागतिक ताप है, इसका 1/273.16 भाग जो है उसे क्या माना गया है, उसे एक केल्विन माना गया है। ठीक है, ऊष्मागतिकी ताप का 1/273.16 भाग जो है उसे क्या माना गया है, उसे एक केल्विन माना गया है। ठीक है, देखो ये परिभाषाएं याद करना, ये संख्याएं याद रखना कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आप 4-5 बार इन्हें पढ़ करके देखोगे ये अपने आप याद हो जाएगी। तो जल का जो तिरक बिंदु होता है, तिरक बिंदु आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो केमिस्ट्री या फिजिक्स में आप पढ़ लोगे ऊष्मागतिकी चैप्टर में, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि तिरक बिंदु का मतलब होता है ये वो बिंदु होता है जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में होती है, ठोस, द्रव और गैस, जिस ताप पर साम्य अवस्था में होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, तिरक बिंदु बोलते हैं। तो केल्विन की परिभाषा होगी, जल के तिरक बिंदु पर ऊष्मागतिकी ताप का 173.16 भाग जो है वो क्या कहलाता है, एक केल्विन कहलाता है। इसके अलावा पाँचवा, अगर अपने बात करें धारा की, तो धारा का जो मात्रक है वो क्या लिया गया है, वो लिया गया है एम्पियर। धारा का जो मात्रक है वो क्या लिया गया है, एम्पियर लिया गया है। ठीक है, एम्पियर की अगर परिभाषा की बात की जाए, तो जब आप 12वीं क्लास में आओगे तो 12वीं क्लास के अंदर एक फॉर्मूला लगता है, उससे आप परिभाषा याद रख सकते हो। वो फॉर्मूला दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाले बल का होता है। हालांकि आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना, ये आपको सिर्फ परिभाषा याद रखनी है, ये एक फॉर्मूला होता है जिससे ये परिभाषा अपने बताते हैं। यहाँ पर ये बल है और ये लंबाई है, ये अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबकशीलता का मान है, I1 और I2 धारा है और d जो है वो दूरी होती है। म्यू जीरो का मान यहाँ पर कितना होता है, 4π × 10⁻⁷ होता है। यदि अपने धारा का मान कितना ले, I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर ले, कितना ले, I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर यदि अपने ले, तो दूरी जो है उसे कितना ले, 1 मीटर ले। तो इससे क्या होगा, जो प्रति एकांक लंबाई बल लगेगा, तो ये देखो यहाँ पर जैसे ही मान रखा म्यू जीरो का 4π × 10⁻⁷, I1 I2 का मान कितना है, 1 है, क्योंकि दोनों 1 लिए, और अपॉन में क्या आएगा, 2π और डी की जगह 1 मीटर, तो पाई से पाई कैंसिल, और जब इसे डिवाइड करो ये आएगा 2×10⁻⁷, इसे लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर। इस साइड देखो बल है तो न्यूटन, लंबाई है तो मीटर है। तो यहाँ से आप लोग परिभाषा क्या लिख सकते हो एक एम्पियर की, कि एक मानक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में स्थित, जो निर्वात में स्थित दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य, दो समांतर धारावाही चालक तार जिनके मध्य एकांक दूरी हो,
उनके मध्य 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल उत्पन्न कर दे, क्या कहलाती है? एक एम्पियर कहलाती है। ठीक है, ये जो परिभाषा लिखोगे, ये जो आपने बातें लिखी है, ये सारी की सारी आपको उस परिभाषा के अंदर लिखनी होगी। जैसे देखो, आपको किसकी परिभाषा बतानी है? एक एम्पियर की। तो I1 I2 आपने क्या रख दिया? एक एम्पियर कर दिया। दो तार लिए, उनके बीच में दूरी कितनी है? एक मीटर है। μ0 लिखा हुआ है, इसका मतलब उनके मध्य क्या है? निर्वात है। सारे मान रखो, ये कितना आया? 2×10⁻⁷। और न्यूटन पर मीटर क्या है? एकांक लंबाई पर लगने वाला बल आया। तो परिभाषा क्या लिखोगे? एक मानक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में स्थित दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य, जिनके मध्य एकांक दूरी हो, उनमें 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल उत्पन्न कर दे, उसे अपने क्या बोला गया है? उसे एक एम्पियर बोला गया है। ठीक है, छठी जब अपने परिभाषा लिखेंगे, यहीं पर लिख देता हूँ। छठी अपने जो परिभाषा आती है वो आती है ज्योति तीव्रता की। ज्योति तीव्रता जो अपने मूल राशि है, उस ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है, इसका मात्रक अपने कैंडेला लिया था, जिसको अपने CD से लिखा था। ठीक है, तो कैंडेला की परिभाषा आती है। कैंडेला क्या होती है? जो अपने कर्षणिका होती है, कर्षणिका के तल के लंबवत, कर्षणिका के तल के लंबवत 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल की जो ज्योति तीव्रता होती है, उसे अपने क्या माना गया है? एक कैंडेला माना गया है। अपने बात की है कर्षणिका की, कर्षणिका के तल के लंबवत, कर्षणिका के तल के लंबवत 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल की जो ज्योति तीव्रता है, उसे कितना माना गया है? एक कैंडेला माना गया। आपको ये ध्यान रखना है, अपनी परिभाषाएँ जो है मात्रकों की पढ़ रहे हैं, जो अपने मूल मात्रक ले रहे हैं उनकी परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। ये तो भौतिक राशि है, साथ में इसलिए लिख दिए कि आपको ये बता रहा हूँ, ये भौतिक राशि है, ये उसका मात्रक है और ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, सातवीं अगर अपने परिभाषा की बात करें तो सातवीं परिभाषा जो है वो अपने आती है पदार्थ की मात्रा, जो भौतिक राशि अपने लेते हैं पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा अपने किस में देखते हैं? मोल में देखते हैं। तो नेक्स्ट जो परिभाषा आती है वो किसकी आती है? मोल की आती है। तो मोल की जो मानक परिभाषा है वो ली गई है कि जो कार्बन 12 होता है, जो कार्बन 12 होता है उसके 0.012 kg के अंदर, किलोग्राम में बदल दिया है, यदि ग्राम में लिखते तो आपको पता है यहाँ से ये पॉइंट जो है वो हट जाता और सीधा 12 ग्राम अपने इसे लिख देते। तो अपने किस में लिख रहे हैं? इसे kg में लिख रहे हैं। 0.012 kg के अंदर जितने अवयवों की संख्या है, यानी कार्बन 12 के 0.012 kg के अंदर जितने अवयवों की संख्या है, उतने अवयवों की संख्या अगर किसी की हो तो उसे कितना माना जाता है? तो उसे एक मोल माना जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास में 7 मूल मात्रक है और इन 7 मूल मात्रकों की परिभाषाएं हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपने किसकी पढ़ी थी? द्रव्यमान की पढ़ी थी। द्रव्यमान अपने मूल राशि या परिभाषा किसकी पढ़ी थी? किलोग्राम की पढ़ी थी। तो सबसे पहले किसकी परिभाषा याद रखोगे? किलोग्राम की परिभाषा याद रखोगे। कहाँ से ली गई है? पेरिस के अंदर एक विशेष प्रकार का बेलन रखा गया है, जो किससे बना हुआ है? प्लेटिनम और इरिडियम धातु से मिलकर के बना है। इसका जो वजन लिया गया है वो कितना लिया गया है? 1 kg लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरी परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी है, मीटर की परिभाषा पढ़ी है। मीटर की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? प्रकाश की निर्वात के अंदर, प्रकाश के द्वारा निर्वात के अंदर 1/299/792/458 सेकंड के अंदर तय की गई जो दूरी है, उसे अपने क्या बोलते हैं? एक मीटर बोलते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी है सेकंड की। सेकंड के अंदर अपने क्या बोला है कि जो सीजियम 133 है, उसके द्वारा 91/92/1773 बार कंपन करने में जो समय लगता है, उसे क्या लिया गया? एक सेकंड लिया गया। उसके बाद में हम लोगों ने चौथी परिभाषा पढ़ी थी ताप का जो मूल मात्रक है केल्विन। तो केल्विन की परिभाषा पढ़ी है अपने। केल्विन की परिभाषा क्या बोली है कि जो जल का तिरक बिंदु है उस पर ऊष्मा गति की ताप का 1/273.16 भाग जो है वो क्या माना गया है? एक केल्विन माना गया है। ठीक है, पांचवी परिभाषा हम लोगों ने धारा की पढ़ी है कि एक मानक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में स्थित दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य, जिनके मध्य दूरी एकांक को, उनके मध्य 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल उत्पन्न कर दे, क्या कहलाती है? विद्युत धारा, मानक एम्पियर कहलाती है। ज्योति तीव्रता
जो अपने मूल राशि है उसका जो मूल मात्रक है कैंडेला, तो कैंडेला की परिभाषा आपने क्या लिखी है, कैंडेला की परिभाषा लिखी है कि कृष्णिका के तल के लंबवत 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल जो है उसकी ज्योति तीव्रता जो है वो कितनी ली गई, एक कैंडेला ली गई है। सातवीं परिभाषा हम लोगों ने मोल की पढ़ी है, जो पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। मोल की परिभाषा आपने क्या बोली है कि जो कार्बन 12 है, जो अपने पास में क्या है कार्बन 12 है, उसके 0.012 kg के अंदर जितने अवयवों की संख्या है उतने ही यदि किसी के अवयव तो उसे क्या माना जाता है, एक मूल माना जाता है। ठीक है, तो अपने सात मूल राशियां थी, उनके सात मूल मात्रक थे, पहला किलोग्राम, दूसरा अपने पास में मीटर, तीसरा अपने पास में सेकंड, चौथा अपने पास में केल्विन, पांचवा अपने पास में एम्पियर था, और छठा अपने ज्योति तीव्रता था, सातवां अपने मोल था। तो ये सात जो मूल मात्रक है उनकी परिभाषा है। इसके बाद में अपने पास में दो बस्ते हैं, पूरक मात्रक, और अपने को अब क्या देखनी है, इन सात पूरक मात्रकों की परिभाषाएं देखनी है। ये कृष्णिका लिखा हुआ था, यहाँ जब अपने ज्योति तीव्रता की बात की थी यहाँ कृष्णिका लिखा हुआ था। कृष्णिका जो आप उष्मागतिकी वाले चैप्टर में लास्ट में पढ़ोगे, कृष्णिका एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, यदि कृष्णिका के ऊपर आप किसी प्रकाश को डालोगे तो वो प्रकाश को पूर्णतः क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, प्रकाश को परावर्तित नहीं करने देगा। आपको पता है कि अपने को वस्तुएं क्यों दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और वापस अपनी आँखों पर आता है, जिससे अपने को वस्तु दिखाई देती है। पर कृष्णिका पर यदि कोई प्रकाश आकर के गिरता है तो वो पूर्ण रूप से इसे क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसी प्रकार यदि इसे गर्म किया जाए तो जो इसने विकिरण अवशोषित किया पूर्ण रूप से उन्हें क्या कर देता है, ये उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, तो ये कृष्णिका थी, हालांकि आप इसे डिटेल में बाद में पढ़ोगे। अपने पूरक मात्रक बच गए दो। देखो पूरक मात्रकों के अंदर पहला जो मैंने आपको बताया था वो बताया था रेडियन, और रेडियन किसका मात्रक था, रेडियन जो है वो समतल कोण का था। जो समतल कोण होता है अपने पास में उसका मात्रक क्या था, रेडियन था। ठीक है, आपको पता है अपने कोण कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से अपने क्या करते हैं, कोण बनाते हैं। ठीक है, यदि अपने एक यहाँ पर वृत्त मान ले तो ये उस वृत्त के अंदर कोई एक कोण होगा और ये क्या होगा, एक चाप होगा। ये इस जगह क्या है, एक चाप है, ये चाप वृत्त के किसी भाग पर खींचा गया है। चाप की जो लंबाई है वो मान लेते हैं कितनी है, डी एस है। ये क्या है, चाप की लंबाई है, आर क्या है इसकी वृत्त की त्रिज्या है, और डी थीटा क्या है, कोण है। ये क्या है अपने पास में, कोण है। तो आपको पता है कि जब अपने कोण को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, चाप बटे त्रिज्या। कोण को क्या लिखते हैं अपने, चाप बटे त्रिज्या, यानी कोण किसके इक्वल होता है, चाप बटा त्रिज्या के इक्वल होता है। तो कोण किसके इक्वल है, चाप बटे त्रिज्या के इक्वल है। अब देखो यदि अपने को परिभाषा लिखनी है कोण की, तो अपने क्या करेंगे, आर जो ले रखा है उसकी जगह एक रख देंगे, जो डी एस ले रखा है उसकी जगह भी क्या कर देंगे, एक रख देंगे, यानी दोनों का मान अपने क्या ले लेंगे, एकांक ले लेंगे। तो यदि अपने इसकी जगह एक रखें, इसकी जगह एक रखें, तो डी थीटा जो लिया है उसका मान भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एक होगा ये क्या होगा, एक रेडियन होगा। ठीक है, परिभाषा कैसे लिखोगे आप लोग, इसकी परिभाषा में आप बोलोगे कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर, फिर से सुनना, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। ठीक है, अगर एक रेडियन के लिखना चाहो तो आप क्या बोल दोगे कि एकांक चाप के द्वारा, जिसकी लंबाई जो है किसके बराबर है, एकांक त्रिज्या के बराबर है, तो उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, एक रेडियन होगा। ठीक है, या फिर आप सीधा बोल सकते हो कि चाप के द्वारा त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा, आपको क्या बोलना है,
त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा, त्रिज्या के बराबर चाप, त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है? रेडियन होता है। जैसे जितना डीएस लोगे उतना ही यदि आर लोगे तो दोनों कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। तो त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। दूसरी अपने इसके अंदर परिभाषा जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी स्टे रेडियन, परिभाषा तो पढ़ेंगे मात्र पढ़ा था स्टे रेडियन किसका था? ये ठोस या अपने जो घन कोण बोलते हैं, ठोस या जो घन कोण बोलते हैं उसका मात्रक था। अब देखो ये कैसे बनेगा, आप ये बोल सकते हो कि एक प्रकार का ये त्रिविमीय कोण होता है, ठीक है। अपने पास में यहाँ क्या था, कोई एक वृत्त था और इस जगह अपने क्या करेंगे, कोई एक गोला लेंगे। जैसे अपने पास में कोई एक गोला हो जैसे ये, और यदि अपने इसके ऊपर इस प्रकार से कोई एक पार्ट को काट दें तो ये जो है ये अपने सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे बना सकते हो आप लोग इसमें, और ये जो क्षेत्रफल है ये ए के बराबर मान लेते हैं, और ये डी ए के बराबर मान लेता हूँ, और त्रिज्याएँ कितनी है, आर और आर है, और ये जो कोण है ये कितना है, ये डी ओमेगा है, ठीक है। ये जो अपने निशान बनाया है डब्लू का सा, इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। तो डी ओमेगा क्या है, अपने पास में ठोस कोण है, तो ठोस कोण अगर अपने देखें डी ओमेगा, तो डी ओमेगा का फॉर्मूला लिखते हैं डी ए अपॉन आर स्क्वायर, यानी अपने ये क्षेत्रफल लिया है, जो भी अपने पार्ट काटा था उसका क्या किया, अपने क्षेत्रफल लिया है, और त्रिज्या का क्या किया है, वर्ग किया है, यानी ये क्षेत्रफल और भाग में क्या लिखा है, त्रिज्या का वर्ग लिखा है, वो किसके इक्वल है, डी ओमेगा के इक्वल है। यहाँ पर देखो अगर आर स्क्वायर और डी ए एक दूसरे के बराबर हो तो डी ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, डी ओमेगा का मान एक हो जाएगा, एक स्टे रेडियन हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, यहाँ से आप लोग बोलोगे कि त्रिज्या के वर्ग के बराबर, त्रिज्या के वर्ग के, किसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल के द्वारा, गोले की त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, स्टे रेडियन कहलाता है, ठीक है। क्या बोलोगे आप लोग, त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, स्टे रेडियन कहलाता है। तो ये अपने पास में किसकी परिभाषा है, ये अपने पास में स्टे रेडियन की परिभाषा है, ठीक है। तो अपने सात मूल मात्रक थे उनकी परिभाषाएं देख ली, उसके बाद में अपने क्या किया है, जो अपने पास में जो पूरक मात्रक था अपने दोनों पूरक मात्रकों की परिभाषाएं देख ली। तो इनमें से एक या दो परिभाषा जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, एक नंबर की परिभाषा जो है यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। एक बार आप लोग बस इसे समझ लेना और एग्ज़ाम के टाइम में इन्हें थोड़ा याद कर लेना। तो ये अपने सात मूल मात्रक हो गए, और लास्ट में दो जो अपने पढ़े हैं वो क्या है, दो पूरक मात्रक है, ठीक है। तो इसके बाद में अपने विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषता मैंने कल बता दी थी आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब अपने एसआई पत्ती के, जब अपने एसआई पत्ती के मात्रक लिखते हैं तो उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है, देखो जब अपने एसआई पत्ती के मात्रक लिखते हैं तो इन मात्रकों की या एसआई पत्ती की विशेषताएं क्या क्या होती है। एक तो आप लोगों को मैंने कल बताया ही था कि ये जो मात्रक है यांत्रिकी के अंदर अगर अपने बात करें तो एमकेएस पद्धति जो है, एमकेएस पत्ती का विस्तृत रूप क्या है, एसआई पत्ती है। पर ये सिर्फ अपने भौतिक विज्ञान की जो यांत्रिकी शाखा लेते हैं जिसके अंदर अपने किसका अध्ययन करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं, ये सिर्फ किसके अंदर काम में आ रही थी, यांत्रिकी के अंदर काम में आ रही थी। पर एसआई पद्धति जो है
वो भौतिक विज्ञान की सभी शाखाओं में काम में आ जाती है। ठीक है, दूसरा अपने यदि इन मात्रकों की बात करें तो ये दशमलव प्रणाली पर आधारित है। किस पर आधारित है? दशमलव प्रणाली या दशमलव पत्ति अपने जिसे बोलते हैं, तो उस दशमलव पत्ति पर ये आधारित है। तीसरी अगर अपने बात करें तो सारे के सारे जो मात्रक है वो क्या है? मानक और सुपरिभाषित है। मानक या सुपरिभाषित आप लोग बोल सकते हो, मानक या सुपरिभाषित बोल सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि सात के साथ जो मूल मात्रक है उनकी परिभाषाएं हैं, दोनों जो अपने पास में पूरक मात्रक है उनकी भी क्या है? परिभाषाएं हैं। तो सारे के सारे जो मात्रक है वो क्या है? या तो मानक मात्रक है, और प्लस में मानक होने के साथ साथ में वो सभी के सभी क्या है? सुपरिभाषित है। तो अपने ये जो मात्रक है ये मानक मात्रक है और सुपरिभाषित मात्रक है। दूसरा यदि अपने इस पत्ती की बात करें तो इस पत्ती के अंदर जितने भी मात्रक है, जैसे मूल मात्रक है, तो या तो अपने पास में किसी की भौतिक राशि का अगर मात्रक चाहिए तो सात मूल मात्रकों में से कोई एक होगा, और अगर नहीं है तो दो में से होगा, और अगर फिर भी अपने पास में कोई अन्य राशि हो, जैसे सात मूल राशियों का तो मात्रक इसमें सीधा सीधा ही दे रखा है, दो पूरक मात्रकों का दे रखा है, पर अगर कोई अन्य आपके पास में राशि हो, जैसे व्युत्पन्न यदि आपके पास में कोई राशियाँ हो, व्युत्पन्न, तो आपको इस पद्धति के अंदर ये नहीं है कि भी जैसे आपको एम के पद्धति के अंदर तीन मात्रक तो इसने बता दिए, पर अगर चौथा मात्रक बताना हो तो उसमें नहीं था, तो आपको पद्धति बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं मूल मात्रकों की सहायता से क्या किया जा सकता है? नया व्युत्पन्न मात्रक बनाया जा सकता है। ठीक है, अपने इन्हीं मूल मात्रकों को काम में लेकर के क्या कर सकते हैं? एक नया व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हैं। जैसे एक आधा बना करके बताता हूँ मैं आपको, जैसे आप लोगों ने किसका देखा होगा? चाल का देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, सबसे ज़्यादा चाल के बारे में पढ़ा होगा आपने 10वीं क्लास में, या फिर आपने धारा के बारे में भी पढ़ा है 10वीं क्लास में। इन दोनों का बता देता हूँ मैं। तो धारा का तो आपको पता है कि सीधा सीधा मूल मात्रक क्या हो गया? एम्पियर हो गया। पर अगर आपको कोई ऐसा मात्रक देखना हो जिसमें धारा शामिल हो पर इन सात मूल मात्रकों में से कोई मात्रक ना हो, जैसे प्रतिरोध का अगर बात करें तो प्रतिरोध का क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। और विभव की अगर बात करें तो क्या हो जाता है? वोल्ट हो जाता है। ठीक है, पहले चाल वाला बता देता हूँ। चाल किसके बराबर होता है? दूरी बटे समय के बराबर। किसके बराबर होता है? दूरी बटा समय के बराबर होता है। चाल किसके इक्वल होती है? दूरी बटा समय के इक्वल होती है। अब देखो, आपको ये तो पता है कि मूल मात्रकों के अंदर समय का मात्रक सेकंड आता है, दूरी लंबाई का मात्रक आएगा, जो अपने क्या लिखते हैं? मीटर लिखते हैं। पर क्या वहाँ चाल का कोई मात्रक था? नहीं था। पर चाल का यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप लोग क्या कर सकते हो? चाल का मात्रक यहाँ से बना सकते हो। तो चाल का मात्रक यहाँ से क्या बन गया? ये बन गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सीधा ही लिखो मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो है वो क्या हो गया? चाल का मात्रक हो गया। ये अपने क्या किया? एक व्युत्पन्न मात्रक बनाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हैं। जैसे धारा की यदि बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और आवेश जो है, आवेश प्रवाह की दर को अपने क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं, यानी क्यू बटा टी। आवेश प्रवाह की दर को अपने क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। यहाँ देखो, धारा का तो आपके पास में मूल मात्रक है, हालांकि इसका भी मात्रक होता है कूलाम, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि यदि इससे आपको बनाना हो, किसका बनाना हो? यदि आपको आवेश का मात्रक बनाना हो, किसका? आवेश का, तो क्या लिखोगे? धारा इंटू समय। और धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है? एम्पियर। और समय का क्या होता है? सेकेंड। तो आपने क्या कर लिया? आवेश का मात्रक बना लिया एम्पियर इंटू सेकेंड। इसको एसआई पत्ती में कूलाम नाम देते हैं, हालांकि इसे अपने कूलाम बोलते हैं, फिर भी अगर आपको बनाना हो तो आप लोग क्या कर सकते हो? इस प्रकार से मात्रक बना सकते हो। तो ये जो पत्ती है इसकी खास बात क्या है कि आप लोग इस पत्ती की सहायता से नए जो मात्रक है उन्हीं मूल मात्रकों की सहायता से बना सकते हो, आपको किसी नई पत्ती की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये अपने पास में जो सात मूल मात्रक थे, दो व्युत्पन्न मात्रक थे, उन सब की विशेषताएं थी। तो इस प्रकार से अपने एसआई पत्ती को काम में ले सकते हैं। ठीक है, और
इसके बाद में जो अपने आगे बात करने वाले हैं वो अपने एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और वो जो टॉपिक होगा वो किन के बारे में होगा, वो विमा के बारे में होगा। ठीक है, मात्रक अपने पढ़ लिया है, और मात्रक के बाद में जो अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, विमा आती है। ठीक है, विमा के बारे में अपने जो कल वाली क्लास होगी उसके अंदर अपने विमा के बारे में